नहीं देखे, बात अच्छी बुरी नहीं होती, बात होती है कौमों का कुछ स्टैंड होता है। मैं तो खुद एक पूरी उम्र अल्लाह का शुक्र है गुजार चुका हूँ, मैंने तो यही सुना था कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर पे, वो मुझे एक मिनट में पता नहीं चला। आज मेरा वजीर मुझे कह रहा है कि भारत में चीनी सस्ती है, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं क्योंकि कौमों का कोई करेक्टर होता है। बात आपसे करता हूँ, आज आपको पता लगा चीनी भारत में सस्ती है 70 साल आपको पता ही लगा। एक बात करता हूँ, किस वक्त हम बड़ी एक इमरजेंसी हालत में, बड़ी साहब इंडिया दुनिया में ये नलायक जो है ये तो क्या बनाएंगे या बट्टी साहब से लेना, बट्टी साहब ये बताएं कि यार अगर हम वैक्सीन मंगा लेते हैं उनसे 700-800 में लगा देते हैं तो हमारी इसमें क्या हर्ज। देखिए वो तो कातल है, अगर डॉक्टर वैद की खबर ठीक है, जो वैक्सीन बना सकते खबर उसकी ठीक है, बात बट्टी साहब मैं कह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं फिर वो दूसरी बात, आपका जरात का मुल्क है 70%, शर्म से डूब नहीं मरोगे जब चीनी टमाटर आलू कपास वहां से इंडिया से मंगाओगे, मुझे इसका जवाब दे दे। सारे हुक्मरान, मैं किसी एक को नहीं कर रहा, डूब मरने के वाले से जवाब, जरात का मैं आपका 70% जरात है तो इसमें आलू टमाटर प्याज आप इंडिया से मंगाएं तो क्या इसका जवाब है कपास। बट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है और किबला शहबाज शरीफ साहब जिन्हें हम हुक्मरान बनाने के लिए वो इस मुल्क के बाख्तियार लोगों से मिल रहे हैं, उन्होंने जो मिल यहां से लेके गए थे वहां पे कपास के एरिए में और गन्ना और जिससे कपास बर्बाद हुई, ही स्टैंड इन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसके लिए हम क्या रहेंगे ये अब हुकूमत में आएंगे। औकात देखे इनकी, हालात देखे, हमारी रियासत की औलाद, हमारी रियासत की औलाद भी देखे, यहां से ये मिले वहां की जो कल्टीवेटिंग एरिया था हमारी, दो बातें नहीं हमने की, एक अगर रुपए की कपास होती है ना उसके पास चीन के पास तो वो 35 रुपए की उसकी वैल्यू ऐड करता है और हमारी जो कपास है वो भी हमारे हाथ से गई। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे सिर्फ आप छोटी सी बात में करते हैं, मौजूदा हुकूमत तो इमरान खान की छाप, इमरान खान पे करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं, ये क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ते, गन्ना खा गए कपास को। एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए मैं कोई इंडस्ट्री इसके खिलाफ नहीं, वो पैसा लगाते हैं कमाना उनका हक है, मगर मुझे बताएं ये जो आपने दूसरों को काश्तकार को चीनी नहीं बनाने की इजाजत देते, गुड़ बनाने की इजाजत नहीं देते, ये किस तरह क्यों कर रहे हैं? 7-20 किलोमीटर पे पंजाब है, वहां जो भी गन्ना लगाता है वो गन्ने से चीनी बना ले, वो गुड़ बना ले, बेच दे। ये आपने क्यों इतना पाकिस्तान में मसला बना दिया? सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, आप इसको बट्टी साहब एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इदारा है, उसने उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा और पूछा कि जनाब ये जो रूसी वैक्सीन है ये $10 की खुद उन्होंने बेच रहे हैं तो आपने इसकी $30 कीमत क्यों रखी? $10 की चीज लेके 30 की बिकेगी, यानी पूरी दुनिया में $10 की रूस बेच रहा है यहां पे, ये दिखाईगा जरा ये सामने जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का लेटर भी है और साथ दूसरा लेटर जो यहाँ यंग फार्मासिस्ट ने दिया है वो बताएगा साथ साथ। अच्छा अब भट्टी साहब होता ये है कि वो कहते हैं नहीं जी हमने इसकी $30 इसलिए रखी थी कि रूस ने कीमत तय नहीं की थी, तो उनको जवाब जाता है कि जनाब जब आपने कीमत तय की थी उससे पहले रूस इसको $10 कर चुका था। अब आपने सवाल पूछा था परसों हम प्रोग्राम में कि हम वैक्सीन क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हम माल बनाते हैं और माल हम कैसे बनाते हैं, हम कतलेआम। अब मुझे बताएं ये जो इदारे हैं ये जो ड्रग वाले ये आवाम के कतलेआम के इदारे हैं या हमारी सेहत के इदारे हैं? देखें अगर वैक्सीन पाकिस्तान बना सकता है, नहीं बनाई तो एक ऐसा जुर्म है जिसको शायद दुनिया तो माफ कर दे, अल्लाह नहीं करेगा। $10 की $30 की बेचना ये उससे बड़ा क्राइम है, इसको तो $10 है खर्चे खुर्चे डाल के $1 प्रॉफिट ले और आराम से प्रॉफिट भी करे तो लोगों की जिंदगी भी बचाए। लेकिन काई साहब ये याद रख रहे ये क्राइम है, मैं ये खाली बिजनेस नहीं है, बिजनेस करता बंदा प्रॉफिट के लिए, एक बंदे को मारो तो कत्ल 302 बट्टी साहब सिर्फ पाकिस्तान, आप एक मुल्क है पाकिस्तान जिसमें लफ्ज बिजनेस का आया, पूरी दुनिया में इसका जिक्र ही नहीं हो रहा। इस तरह तो ना बचाना नहीं, मैं वैक्सीन हो रहे और एक और जो आप हमें हमने पहले भी डिस्कस किया ये 400 अरब की डाक का